हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा आप YouTube पे शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करेंगे कि आपको सब्सक्राइबर भी मिले और वीडियो पे अच्छा व्यू भी आए। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन करना है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे कि आपके अच्छा व्यू आए, आपको ज़्यादा शॉर्ट फीड में जाए और आप पे ज़्यादा जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो और आपका 1000 जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है वो जल्दी से पूरा हो जाए। तो इस वीडियो में कंप्लीट वहीं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आपको मैं दिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपना स्क्रीन ओपन कर दिया है और सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। तो मैं ये अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ और वीडियो अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली प्लस पे जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको गैलरी में जितना वीडियो होगा वो शो करने लगेगा। तो मेरे को शॉर्ट वीडियो डालना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट लिखा है, तो मैं शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करूँगा कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर देखिए मेरा मतलब कैमरा ओपन हो गया। तो मैं यहाँ से ऐड, जो ऐड का ये लोगो दिख रहा है ऐड लिखा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करूँगा मेरे जितना वीडियो होगा वो फिर शो करने लगेगा। तो आपको मैं जो वीडियो अपलोड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे कि देखिए मैं इस वीडियो पर क्लिक किया, देखिए वीडियो आ गया। अब इस वीडियो को थोड़ा सा वेट कीजिए, तो ये देखिए मेरा वीडियो, आपको यहाँ से सिंपली डन कर देना है। तो जैसे डन करेंगे देखिए प्रोसेस हो रहा है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए ये वीडियो ऐड हो गया है और आपको सिंपली यहाँ पे जो ये एरो दिख रहा है सही का चिन्ह, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको जो वीडियो में कुछ लिखना है वीडियो के ऊपर, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब, और जैसे ही सब्सक्राइब लिख देता हूँ आपको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो नीचे कलर दे रहा है। तो मैं इस कलर को थोड़ा रेड कर देता हूँ क्योंकि रेड अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से सिंपली देखिए यहाँ पे टच करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेड कर दिया और आपको यहाँ से डन कर देना है। तो लो जी मैं इसको डन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा घास का, ये वीडियो के ऊपर दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा यहाँ से। तो जैसे उसको पकड़ के थोड़ा सा आप नीचे खींचिएगा, देखिए ये नीचे आ गया। और फिर से आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और देखिए ये हो गया। अब आपको यहाँ पे टाइटल में लिखना है, तो आपको वीडियो जिस टॉपिक पे होगा, जिस टाइप के वीडियो होगा तो वहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग। देख रहे हैं कि मैंने लिख दिया फर्स्ट ब्लॉग। अब यहाँ पे ये अनलिस्ट में रखना है, आपको पब्लिक नहीं करना है, अभी अनलिस्ट में रहने देना है। और फिर यहाँ से अब बैक हो जाना है, तो अभी मैं अनलिस्ट पे रखता हूँ, अभी पब्लिक नहीं करना है आपको। तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, आपको यहाँ से बैक हो जाना है। और आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है अपलोड शॉर्ट, जैसे ही अपलोड शॉर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ आपको भी इधर अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक वीडियो अपलोड हो जाता है, देखिए अभी अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नेट स्लो है मेरा। जैसे ही नेट फास्ट होगा उतना जल्दी वीडियो अपलोड हो जाते हैं, तब तक मैं वेट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि फाइनली मेरा वीडियो अपलोड हो गया है। अब आपको अपलोड हो गया है तो आपको थ्री जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे थ्री डॉट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। जो ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एडिट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट ब्लॉग, और आप इसमें शब्द को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई ब्लॉग।
माय ब्लॉग लिख दिया, फिर मैं लिख देता हूँ कमलेश ब्लॉग। तो आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। देखिए मैं लिख दिया कमलेश ब्लॉग, और फिर आपको ये देखिए मेरा लिख लिया ये टाइटल में, और उसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले आपको टाइटल को ही यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके और पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पूरा को कॉपी कर लेना है। तो ये है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी करके आपको फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लिखने का ऑप्शन देना है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करके रखिएगा तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, देखिए पेस्ट करता हूँ, जो मैं कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया है। आपको सिंपली यहाँ से कुछ और स्पेस दे इंटर कर देना है और यहाँ पे लिखना है योर क्वेरी। देखिए तो मैं लिख देता हूँ योर क्वेरी। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यूट्यूब आपको वीडियो को अगर आदमी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उसका शेयर करता है, फीडबैक में भेजता है। तो ये देखिए मैं लिख दिया हूँ कुछ वीडियो से रिलेटिव टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको बैक हो जाना है, फिर यहाँ से सेव कर देना है। देखिए ऊपर यहाँ पे सेव दिख रहा है, अब आपको सिंपली यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेव हो गया वीडियो। देखिए ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी ये वीडियो अभी पब्लिक नहीं हुआ, ये रिंग सर्किट दिख रहा है, इसका मतलब ये अभी वीडियो पब्लिक नहीं है। तो वीडियो पब्लिक करने के लिए फिर से आपको उसी पे क्लिक करना है, एडिट पे जाके। अब आपको सिंपली देखिए ये वीडियो ऑन लिस्ट में है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ये पब्लिक पे इस एरो को पब्लिक पे कर देना है। पब्लिक पे करके फिर आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आपको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे वो वीडियो पब्लिक हो जाएगा, आपके ऑडियंस के पास जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।